छुपा दिया क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था, तिल यहीं पे था। तुम रुक जाइए, हम इसे ना पानी से मिटाते हैं इस टैटू को। अभी आप लोगों को तिल दिख जाएगा, रुकिए। बस करो कृष्णा, बच्चा है वो अभी। हम जानते हैं कि ये बच्चा है, लेकिन गौरी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। ये सब कुछ है ना, गौरी ने ही किया है। देखो बहुत हो गया कृष्णा, गोपी शिव को लेकर अंदर जाओ बेटा। कर रहे हो, छोड़ो हमें। तुम फिर से वही कर रहे हो जो तुमने 6 सालों पहले किया था। भरोसा क्यों नहीं करते? हमारा शिव हमारा बच्चा है जी, हम सच कह रहे हैं। वो तिल देखा है हमने उसके हाथों पे। प्लीज यकीन करो। तो क्या कहना चाहते हो? पिछले 6 साल से हमें नहीं दिखाई दिया वो दिल, और अब तुम्हें एक झटके में दिखाई दे गया। एकदम सही कह रहा है जीत, हमने भी अभी देखा तुम किस तरह से शिव के साथ में पेश आई। हमें तो नहीं लगता कि तुम उसकी माँ हो भी सकती हो कृष्णा। बस करो कृष्णा, बस हुआ अब। अरे बस, तुमने अपनी पूजा तो खराब की, हमारी भी खराब की, पर हमें क्या, पाप तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा। तमाशा बना दिया इस लड़की ने। सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए प्लीज। दिल देखा है हमने उसके। दादी आपको तो हमारी बात पे यकीन है ना, आप तो करती है ना हम पर भरोसा। वो दिल देखा है हमने शिव के हाथों पे, सेम ऐसा ही दिल है। शिव हमारा बच्चा है दादी, हमारा बच्चा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे भ्रम हो रहा है। आज सुबह से तू अपने बच्चे के बारे में सोच रही है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए सब बच्चों की शक्ल में तुझे अपना बच्चा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है चाची, ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा है शिव, आप जानती हैं। अच्छा ठीक है, आप लोगों में से किसी को भी हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना। तो अब हम सबूत के साथ ये साबित करके रहेंगे कि 6 साल पहले हमने जिस बच्चे को खोया था वो बच्चा शिवी है। ये साबित करके रहेंगे हम। मुझे कभी रात में आइसक्रीम खाने नहीं देती। मैं भी नहीं, इसलिए तो हम चुप कर खा रहे हैं वो तू। वैसे शिव एक बात पूछे। पूछ। आज मैं क्या ढूंढ रही थी तेरे हाथ पर, कुछ है क्या? आपका ये जो निशान है ये सिर्फ हम दोनों का टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहना। बताना क्या सोच रहे? हम तो तेरी बहन है ना, बहन से कुछ नहीं छुपाते। पर तू बता अपना सीक्रेट, तेरे पापा का नाम, तभी मैं बताऊंगा। ओके डील, दोनों साथ में बताते एक दूसरे को। ठीक है।
सिर्फ अपनी बहन को बताने से हमारे सुपर पापा थोड़ी ना चीनेंगे। पापा तो हम दोनों के पापा हैं, तो भाई को बताने से थोड़ी ना कुछ होगा। ठीक है, तो हम अपना सीक्रेट लिखकर बताते हैं। ठीक है, पर मेरा सीक्रेट बताने तो पानी लगेगा। ठीक है, और हम चौक लाते हैं। ले आए और हम पानी। शिव, 3 के काउंट पे हम दोनों साथ में बताएंगे। ठीक है? ठीक है। रेडी स्टेडी गो। क्या हो रहा है ये सब? हमने समझाया था ना आपको? बेटा यूं तो आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, मगर क्या करें, आप बिल्कुल अपनी माई की परछाई हैं, इसलिए दिक्कत हो गई। आपको और आपकी माई को हमारी कोई बात समझ में नहीं आती ना? माई को पुलिस गिरी से फुर्सत नहीं है और बेटी को यहाँ जासूसी के लिए छोड़ा हुआ है। हमें कुछ भी कहिए, हमारी माई को नहीं, वो अच्छी है, आपसे भी ज्यादा अच्छी है। अरे वाह, आपको पता है आपकी माई ने जो आपको प्यार से नहीं सिखाया, हम आपको थोड़ी सी सख्ती से सिखा देंगे। छोड़ो हमें, आइए हमारे साथ। छोड़ो हमें, गोरी गोपिका को छोड़ो, छोड़ो गोपिका को, छोड़ो गोरी गोपिका को, छोड़ो। तुम्हारी जो जुबान आज कैची की तरह चल रही है ना, कल उसी पर ताला लगाकर घूमोगी। कोरी, चलो शिव्यास। गोपिका, कोरी गोपिका को छोड़ दो। शिव, शिव, दरवाजा खोलो आंटी, क्या अंधेरे? शिव, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। शिव, गोपिका डर लग रहा है, उसको बाहर निकालो। शिव, हम उसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी नहीं। बेटा, हमने आपको समझाया था ना कि जब छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। गोपिका को भी पनिशमेंट मिली है। अगर हमने अभी उसे बाहर निकाल दिया तो जो गलती उसने आज की है वही गलती वो दोबारा दोहराएगी, इसलिए हम अभी उसे बाहर नहीं निकाल सकते। ओके, अब चलो हमारे साथ। गोपी के चिल्लाने की आवाज, हमें डर लग रहा है, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। माई, माई, हमें बाहर निकालो यहाँ से, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। गोपी, गोपी, हाँ भाई, हम अंदर है, खोलो दरवाजा। क्या हुआ, झटका क्यों लग गया तुम्हें? कहते हैं माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी भोग रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, गोपी को अंदर बंद कर दिया तुमने कमरे में, हटो। ताला, ये ताला क्यों लगा दिया तुमने, खोलो उसे। खोल देंगे अगर अभी नहीं, जब तक तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आ जाती ना, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। हमें अंदर बंद कर दिया है, गौरी आंटी ने, बाहर निकालो हमें, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम कौन होती हो गोपी को सजा देने वाली? अरे नन्ही से जान है वो, डर लग रहा है उसे। बोलो गौरी, इसकी चाबी, चाबी।
चाबी दो। हमने कहा नाम तो मैं ये चाबी नहीं देंगी, छोड़ो मारा। हमने कहा चाबी दो गौरी। ये चाबी तुम्हें नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, छोड़ो चाबी दो हमें। ये चाबी तो हम लेकर रहेंगे। नहीं देंगे ये चाबी तुम्हें, छोड़ो इसे। गौरी चाबी दो वरना ठीक नहीं होगा, समझी? हमारी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद वैसे भी कुछ ठीक नहीं है। चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, छोड़ो हमारा हाथ। घबराओ मत, हमें है ना बेटा, बिल्कुल डरो मत, हम अभी बाहर निकालते हैं तुम्हें यहाँ से। हाँ बस थोड़ी सी देर गौरी प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, हमारी गोपी को बाहर निकाल दो, बेचारी बहुत डर रही है, बहुत घबरा रही है, प्लीज। हाँ ना हमें निकालेंगे लेकिन अभी नहीं, ये सब जो हो रहा है ना इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी सजा है ये, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे घर के मामलों में पढ़ने का नतीजा क्या हो सकता है। कहाँ हो गया, कहाँ गया, किस बात की लड़ाई चल रही है यहाँ पर? देखिए ना, गौरी ने हमारी बेटी गोपी को इस कमरे में बंद कर दिया है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? जी तुम्हें हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, हम जो भी करते हैं हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और आज की ये वजह साफ, सुबह सुबह जो इसने किया है ना ये उसी का खामियाजा भुगत रही। ये क्या कर रही हो गोरी तुम, ऐसे कोई बच्चों को सजा देता है क्या? अरे बच्चा डर जाएगा, अंदर मेंटल ट्रॉमा हो सकता है उसको फ्यूचर के लिए, खोल दरवाजा। भेजा खराब हो गया तेरा, पागल हो गई लड़की, निकालो बच्चे को बाहर। गोपी, गौरी चाबी दो। बच्ची अंदर बंद है, चाबी दो गौरी। गोपी, गौरी अब बस बहुत हो गया, चाबी दो हमें, हमने कहा। तुम चाहे जितना नाटक कर लो मगर आज ये चाबी हम तुम्हें नहीं देंगे कृष्णा। हम कह रहे दे चाबी वरना थोपड़ा तोड़ देंगे तेरा। गौरी दे दो चाबी, हमने कहा चाबी दो। जी क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें। हमने कहा ना ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा, चाबी दो हमें, छोड़ो इसे। गौरी छोड़ो, छोड़ो क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें। जी दादी हटाइए इसे। गौरी अरे सुन नहीं रही किसी की, छोड़। भाई बाहर निकालो, बाहर निकालो भाई। चाबी टूट गई दादी, अब क्या करें, हमने चाबी तो टूट गई। शिव, शिव ये तो शिव की आवाज है। शिव अंदर है? शिव अभी तो यहीं था। अंदर कैसे जा सकते हैं दरवाजा बंद? शिव जी दरवाजा तोड़ो, हमारे बच्चे लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये सब हो जाएगा, हम कभी ऐसा नहीं करते। दो दिन में ना दूसरी बार हमारा बच्चा अस्पताल में आ गया। चीत तो ने किसकी बुरी नजर लगी है, चीत से अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं होगा ऋषि को, सब ठीक हो जाएगा। माई वो रेख हमारे ऊपर गिरने वाला था माई, पर पता नहीं कहाँ से शिव आ गया और उसने हमें हटाया और इतने में ही वो रेख उसके ऊपर गिर गया। सही कहा तुमने, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ ना तुम दोनों माँ बेटी ही हो।
हमने तुम्हारे साथ ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब एक माँ से उसके बच्चे को कोई दूर करने की या छीनने की कोशिश करता है ना तो कैसा लगता है, क्या तड़प होती है, क्या एहसास होता है। तुम दोनों जब से हमारी जिंदगी में आए हो ना, तुमने हमारी खुशियों में आग लगा कर रख दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चे की हालत देखो, तुम दोनों हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हो। जब बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है तो मत करो बात। और हमें क्या बोल रही हूँ, ये सब कुछ है ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुमने ही बंद किया था ना कमरे में हमारी गोपी को, इसीलिए हुआ ये सब। डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारे बच्चे को, वो ठीक तो है ना? ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना, सीरियस बात तो नहीं है ना, कोई ठीक हो जाएगा ना, बोलिए ना कुछ। देखिए 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 देखिए, चोट बहुत बड़ी नहीं है, ब्लड बहुत बह गया है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत वीकनेस है, ब्लड की जरूरत है। बच्चे के मैचिंग ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे क्लिनिक में अवेलेबल नहीं है, उसे आप लोगों को ही अरेंज करना पड़ेगा, सो प्लीज जल्दी कीजिए। सब हो जाएगा जी जी, हमें ना जल्दी से जाकर खून का इंतजाम करना होगा क्योंकि हमारे घर पे किसी का भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं है और हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। हमें जाना होगा, चलो ना प्लीज, हमारा है। हमारा और शिव का ब्लड ग्रुप एक ही है। डॉक्टर साहब हम खून दे सकते हैं शिव को। तो फिर आप ब्लड देने की तैयारी कीजिए। रुकिए रुकिए, ये हमारे बेटे को अपना खून नहीं देगी, नहीं चाहिए। जी जी जी, हमारी बात सुनो, हमें इसका खून नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में इसका खून बहे। हम अभी चल के ना ब्लड बैंक जा सकते हैं, हमें खून मिल जाएगा हमारे बच्चे के लिए। चलो ना तुम, प्लीज चलो। बात सुनो हमारी, क्या कह रही हो तुम, शांत हो जाओ। देखो जब जब कृष्णा का ब्लड ग्रुप शिव के ब्लड ग्रुप से मैच होता है तो लेने में क्या दिक्कत। देखो तुम गई और देर हो गई आने में, तो समझ लो ना क्या। अरे नहीं होगी देर जी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। नहीं चाहता हमारे बच्चे के रगों में इसका खून बहे। और जो खून शिव के अंदर पहले से है हमारा, उसका क्या बोलो, उसका क्या। देखिए मैम, बच्चे के ट्रीटमेंट में देरी हो रही है, अगर और देर करेंगे तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है, प्लीज। गोपी इत कुछ करो ना प्लीज। गौरी देने दो उसे खून। तुम अभी दादी के साथ रहो, तुम्हारे भाई को खून की जरूरत है। हम बस अभी थोड़े देर में आते हैं। अरे वो खून नहीं दे रही है, वो हमारे बच्चे के करीब जाने के बहाने ढूंढ रही है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हमसे हमारा बच्चा दूर लेके चली जाएगी, हम सबसे दूर लेके चली जाएगी। हमने हमेशा अपने बच्चे को अपने कलेजे के पास रखे, हम नहीं, वो तू हमसे हमारा बच्चा छीन लेगी। कुछ नहीं होगा, तुम शांति रखो। देखो हमारी बात सुनो, तुम शिव को बचाना चाहते हो, किसी को कुछ नहीं होने देना चाहते ना, तो बस वही करो जो डॉक्टर्स कह रहे। और रही बात कृष्णा की, वो कोई तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीन रहा। खामखा घबरा रही हो तुम, टेंस हो, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज आप लोग बाहर जाइए प्लीज। अगर शिव को चोट भी लगती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल के 100 टुकड़े हो गए हों। अगर वो थोड़ी भी तकलीफ या दर्द में हो तो ऐसा लगता है जैसे अब हम सांस ना ले पा रहे हों। क्या सच में शिव हमारा ही बेटा है? हम दोनों का तो ब्लड ग्रुप भी सेम है, और फिर वो दिल का निशान भी। लेकिन गौरी ने अचानक इतनी जल्दी वो दिल का निशान छुपा कैसे दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं? क्या झूठ है और क्या सच? कोई रास्ता दिखाइए महादेव, कोई इशारा दीजिए ताकि हम पता कर सकें। कोई तो इशारा दीजिए। आधे घंटे में ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा, बी केयरफुल प्लीज। मैं अभी आता हूं। आ! आ!
उसे बेहोशी का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। जी दिल किसी ने देख लिया या इस कृष्णा ने देख लिया तो हमसे हमारा बच्चा छीन लेंगे। नर्स, हमारा बच्चा ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे को लेकर चलेंगे शेफ, कि मम्मा ना सब ठीक कर देगी, हमारे साथ आओ। शिव, 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 क्या करें? तुम कब उठी कृष्णा? जीत, शिव कहाँ है? कृष्णा, वो दरअसल गौरी शिव को लेके घर चली गई है। गौरी का बेटा नहीं है वो, शिव हमारा बेटा है। देखो जीत, पहले भी हमें यही लगता था कि शिव है ना तुम्हारा और गौरी का बेटा है, लेकिन फिर इशारे तो कुछ और ही कह रहे हैं। हमारे हाथों का ये दिल और अब ये ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ सिर्फ एक ही इशारा करते हैं कि शिव हमारा बेटा है।